मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अब आगे चलते हैं। मूलवाद, बवासीर, भगंदर, ये तीनों एक ही तरह के रोग हैं। फाइव एमएल और सल्फर 35 एमएल, ये मूलवाद, बवासीर, भगंदर तीनों की सबसे सरल औषधि है, जिसमें साइड इफेक्ट नहीं, और आप दे सकते हैं अपने से स्वयं। औषधि तो और भी बहुत है, देने का मैं बता रहा हूं। नक्श बंदी का जो है, ये रोज शाम को एक थेम देना है जीप पर, जवान पर, शाम को भोजन के आधे घंटे के बाद, जीवन के अंतर। अब दूसरी जो औषध है सल्फर, ये सप्ताह में एक दिन देना, अठवाड़िया में एक दिन, एक थेम नक्श बंदी का। अब आपको बीमारी कैसी है, अगर ज्यादा खराब नहीं है तो 10-12 दिन में ठीक करेगा, बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो एक महीना लग जाएगा। तो ये दे दिया भोजन के आधे घंटे बाद शाम को, ये सकाळी और दुपारी नहीं देना, दुपारी संध्या का। सल्फर 200, ये भी 5 ml लेना है, इसका एक एक थेम जीप पर सप्ताह में एक दिन, और ये हाँ जवान पर नहीं, ये सुबह खाली पेट देना एक थेम, दोपहर को भोजन के आधा पौना घंटे बाद देना, फिर रात को भोजन के बाद, ये दिन में 3 बार देना एक दिन। औषध लेने के आधा घंटे पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बोला कापूर और केला, वो तो आयुर्वेद का है, गौमूत्र के साथ लेना, और ये होम्योपैथ का, इससे लगभग 90% बवासीर, मूलवाद, भगंदर ठीक हो जाए। 10% इसलिए बोलता हूं कि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, जिनको 8 साल से 10 साल से है, 2-3 बार ऑपरेशन करा चुके हैं, फिर हो गया है, तो उनका इलाज आप मत करना, उनके बारे में मुझे या तो खत लिखना या तो आप कोई नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर को कहना। कॉम्प्लिकेशन जिनको हो गया, जैसे एक ऑपरेशन करा चुके हैं, 2 करा चुके हैं, फिर मूलवाद हो रहा है, बार बार हो रहा है, इसका माने वो टेंडेंसी बन गया है शरीर के, उसको निकालने के लिए फिर ज्यादा गंभीर अध्ययन करना पड़ता है, और उसके लिए औषध सिलेक्शन बहुत तकलीफ से होता है, वो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत अभ्यास से ही होता है वो, तो वो आप मत करना। साधारण जिनको है, पहली बार हुआ है, ऑपरेशन नहीं कराया, उनको आप ये देना, एक तो पहले वो देना, उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं, कपूर, केला और गोमूत्र। कुछ ऐसे भी मूलवाद हैं जो कपूर, केला, गोमूत्र से भी ठीक नहीं होते, उनके लिए फिर ये देना, और जो इससे भी ठीक नहीं हुआ तो फिर मुझे बताना। दोनों से ही ठीक होगा, एक से अकेले से ठीक नहीं होता, और ये दोनों तरह के मूलवाद के लिए, एक रक्त वाला होता है, एक बिना रक्त वाला, दोनों। मांस ऐसा है कि हमारा जो मल निकलने वाला स्थान है वो एक पाइप के जैसा है, तो ये पाइप में अगर थोड़ा बहुत सड़ना हो जाए तो कई बार वो बाहर निकल आता है, तो ऐसा लोग बोलते हैं, डॉक्टर उसको उतना काट देते हैं जितना बाहर निकलता है, वो फिर और निकल आता है, क्योंकि ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है। ऑपरेशन में तो बाहर से काटते हैं, लेकिन अंदर से निकलने की आदत बन जाती है उसकी, तो उसको मूल से ठीक करना पड़ता है, और इसका मूल जो है ना सबसे बड़ा है कोष्ठबद्धता। जिनको कब्जियत होगी, पेट साफ नहीं होगा, उन्हीं को ये रोग आता है, बाकी किसी को नहीं, और जो बहुत मिर्ची खाते हैं उनको कोष्ठबद्धता होती ही है। एक बार में जिनको संडास साफ नहीं होती, बार बार जाना पड़ता है, वो ध्यान रखें, उनको ये होने की शक्यता है, संडास एक बार में ही साफ होनी चाहिए।
तरफ से, हाँ, तो उनको भी शक्यता है कि ये होगा। उनके लिए उपाय मैं बताऊंगा, जब कोष्ठबद्धता में हम जाएंगे तब बताऊंगा। चलो आगे।